हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। तो फाइनली आज पीयूष बहुत दिनों के बाद अपना होमवर्क कर रहा है, मम्मी जी से बहुत ज्यादा डांट खाने के बाद। मम्मी जी को कल से बोल रही थी होमवर्क कर ले। तो अभी फिलहाल ये चिढ़ चुका है इस बात से। बाय द वे अभी टाइम हो रहा है 12:48 और मैं सुबह से वेट कर रहा हूँ अपने एक कुरियर का, जो कि मेरे पास मैसेज आया था कि तुम्हारे पास आज डिलीवर हो जाएगा। तो मेरे को बस उसी की एक्साइटमेंट हो रही है कि कब आएगा। ऐसी होता है जो छोटी छोटी चीज़ भी डिलीवर होने होती है ना, तो पता नहीं क्यों इतनी एक्साइटमेंट रहती है कि आएगा, जल्दी से आएगा, अनबॉक्स करेंगे। ये कलर क्यों कर रखा है? फिर भी कलर क्यों करा है? बाय द वे एक और बड़ा अचीवमेंट हमारा, हमारी 5 वीडियोस पे 10 मिलियन व्यूज कंप्लीट हो गए हैं, जो कि इंडिया में फर्स्ट ब्लॉगर हैं हम जिनकी वीडियोस पे आए हैं। थैंक यू सो मच गाइस। और एक वीडियो पे तो 19 मिलियन हो गए, मतलब 20 मिलियन होने वाले हैं पीयूष की साइकिल वाली पे। पीयूष जी, अगर उस दिन अपन वो साइकिल ना लाते, मम्मी जी मना कर रही थी कि साइकिल मतलब अगर वो साइकिल ना लाते तो 19 मिलियन व्यूज नहीं आते हो क्या? जब व्लॉगिंग स्टार्ट की थी ना, तब सोचा नहीं था हम इतनी आगे तक पहुंच पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं सोचा था मैंने। स्टार्टिंग में मैं काम करता था, मुझे बस ये था कि बस हाँ वीडियोस बनानी है, थोड़े बहुत व्यूज आ जाएं, मेरे को 20-30 हज़ार व्यूज मिल जाएं, बस मैं ये सोचता था कि 20-30 हज़ार व्यूज मिल जाएं बस। कभी भी मैंने ज़्यादा नहीं सोचा कि मेरे इतने हो जाएं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, किसी और को देख के कि उनके इतने आते हैं मैं बनाऊंगा मेरे भी आ जाएंगे, कभी भी नहीं सोचा मैंने। मैं बस बनाता गया। और आज यहाँ मतलब कभी भी स्टार्टिंग में नहीं सोचा था। अगर आप भी स्टार्ट कर रहे हो तो किसी को देख के मत सोचना कि उसके इतने आ रहे हैं तो मेरे भी इतने आने चाहिए, ये होना चाहिए। बस बनाते रहो और काम करते रहो, एक ना एक दिन आप भी ग्रो करोगे। बाकी ये देख के अच्छा लग रहा है यार, मतलब 5 वीडियोस पे 10 मिलियन व्यूज़। व्लॉगिंग में इतने व्यूज़ आना बहुत ज़्यादा मतलब बड़ी बात होती है, बिकॉज इतने बड़े बड़े व्लॉग्स होते हैं, पूरा दिन का लोग इतना रिलेट कर रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। बाय द वे पीयूष तो अपना है ही सभी थंबनेल में, देखो इनमें सब में पता क्या है, पीयूष की न्यू साइकिल, हाईवे पे फंस गए चलो यहाँ चलते हैं, गिफ्टेड आईपैड, पीयूष डांसिंग विद ट्रिगर्ड इंसान, इन सब में ना अगर आप नोटिस करोगे इनके टाइटल में ना एक स्टोरी छुपी हुई है। मतलब टाइटल देख के बंदा सोचता है कि यार कि मतलब क्या होगा वीडियो में। तो मैं इसी तरह से टाइटल और थंबनेल लगाता हूँ पीयूष का और टाइटल वगैरह। अब आप लोग सोचोगे क्या कर दिया होगा यार पीयूष ने, खोल के देखते हैं, तो बस वही एक सस्पेंस रहता है। तो ये मैं सीक्रेट बता रहा हूँ आपको अपने ब्लॉग का, देख लो समझे। और यो तो अभी फिलहाल मम्मी तरबूज काट रही है, अरे जूस ही बनता है मम्मी जी, इसका जूस बना सकते हैं, वैसे पेट में जाके जूस ही बनेगा इसका। ओली आजा। आज का व्लॉग मैंने सुबह स्टार्ट नहीं किया बिकॉज हम लेट उठे थे और लेट खाया था, तो अभी भूख भी नहीं लग रही, हल्की भूख लग रही बस, तो अभी कुछ बनाया नहीं मम्मी ने, सिर्फ यही खाएंगे और रात को खाएंगे फिर सीधा। वाटरमेलन खाने में ना एक चीज़ बेकार लगती है, ये देखो पूरा इसका पानी जाता है चारों साइड, फिर इसको अच्छे से साफ करना पड़ता है, नहीं तो चींटियाँ लग जाती हैं, बस ये एक बेकार चीज़ लगती है, बाकी तो पेट भर जाता है, मज़ा आ गया। बाय द वे आज पीयूष भी खा रहा है, आज ये मैगी नहीं खा रहा, और मैगी नहीं खानी अब से, उसको पूरा खाइयो, देख उसमें पड़ा हुआ है अभी, बर्बाद मत करना, बर्बाद नहीं वो देख मम्मी जी उसके अंदर है अभी, इतना महंगा नहीं खा रहा, ऐसे बर्बाद मत करना। बाय द वे अभी तक मेरा कुरियर नहीं आया, मेरे माइंड में तो वही चल रहा है। मैं तेरे को बेटा बार बार कहूंगी अगर तू कर लेगा सर, थोड़ा आज कर थोड़ा कल कर तभी तो होएगा बेटा, ऐसे थोड़ी होता है, थोड़ा आज कर थोड़ा कल कर है पीसी, थोड़ा आज कर थोड़ा कल कर तभी तो काम कंप्लीट होगा, थोड़ा आज कर थोड़ा कल कर। गेम बंद कर ले, गेम लगी हुई है वहाँ पे, चल थोड़ी तो फालतू में क्यों इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा? नहीं भाई नहीं, कर दिया बंद हो गया। तू होमवर्क करा, गेम खेल रहा है, चुपचाप होमवर्क कर ले ठीक है। ये एक्चुअल में तेरे को सम आते भी हैं या ऐसी बस लिख रहा है? आते हैं। कोई नहीं, तेरे से करवाऊंगा ना। फाइनली गॉट दिस पार्सल, तो इसमें कुछ टी शर्ट्स हैं जो कि मैंने ऑर्डर की थी अपने लिए छाट छाट के, तो देखते हैं कैसी हैं। फर्स्ट टाइम मैंने ऑनलाइन कोई कपड़ा बाय किया है, यूजली मैं मार्केट से खरीदता था। तो ये टोटल 6 टी शर्ट्स हैं, देखते हैं कैसी है, बस साइज ठीक हो यार भाई, ये तो बहुत बड़ा साइज है, पोपट हो गया है। तो टी शर्ट तो बढ़िया है बट साइज बड़ा है यार, थोड़ी नहीं काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो रही है तो, लेकिन मुझे पसंद है यार, क्या करूँ अब मैं क्या करें, पसंद तो है, वापस तो करूँगा नहीं, मम्मी से फिटिंग करा लूँगा। अब दूसरी डालते हैं, इसका साइज ठीक है, देखो तो देखो इसका साइज बिल्कुल ठीक है, यहाँ से भी ठीक है। नवीन आ गया यार, एक बड़ी है ये, इसका साइज तो ठीक है देख। हाँ ये ठीक है,
इसीलिए मुझे डर लग रहा था ऑनलाइन मंगाने में। ये भी बड़ी है भाई, ये तो पापा जी से भी बड़ी लग रही है मुझे यार। ये एम साइज है, ये ठीक है इसका, ठीक है। हाँ ये सही आ गई, कलर भी सही है, ये भी ठीक है। इतनी मुश्किल से छाट छाट के मंगाई थी मैंने ये। कपड़ा मस्त है यार इन सारों का, ये भी सही है। सिर्फ दो टी शर्ट में प्रॉब्लम है भाई साहब। ये क्या हो गया, पापा जी को पूछूंगा, पापा जी को चाहिए होगी तो। तो पीछे कैसा लग रहा हूँ, फ्रॉक पहन रखी है, ऐसे लग रहा ओ भाई। इसे देखो अपनी क्या हालत बना ली है। आज शाम की चाय मम्मी बना रही है, बिस्किट लाई हो, नो ब्रांड प्रमोशन भी उसी, लोग गेस कर लेंगे नहीं करेंगे। तो शाम के टाइम पे एक चीज और हमारी ऐड हो गई है चाय के साथ में, ये बिस्किट। और जो को मत दियो पहले बता रहा हूँ, बड़ी मीना है उसको। नहीं नहीं मम्मी यार समझा करो, मीठे बिस्किट है यार, मैं नहीं देने। एक बिस्कुट नहीं ना, मत दे यार, क्यों मना नहीं, बात बात नहीं मानता। मम्मी का बस चले, मम्मी तो उसको सब्जियां भी खिलाएगी। उस दिन मम्मी अनार खिला रही थी उसको, अनार। वाह है मम्मी। पापा जी को क्या हो गया, पापा जी को वही कमरा पसंद आ गया क्या, यहाँ आते नहीं अब। पहले पापा जी यहीं रहते थे पूरा दिन भर, यहीं पे सोते थे, बट जब से कोविड हुआ है वो वहीं पे ही हैं, आ ही नहीं रहे। चाय भी वहीं ले ली उन्होंने, वहीं बैठे आराम से, हम सभी यहीं बैठे हैं। उनको अच्छा लग रहा है वहाँ। तो अभी फिलहाल जा रहे हैं डॉग्स को फीड करने के लिए, और साथ में साहिल को गाड़ी भी सिखा देंगे, बिकॉज साहिल को भी गाड़ी सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर टाइम मैं तो नहीं होऊंगा ना घर में, दो जनों को तो आनी ही चाहिए। सेक्टर 5 में चले जाएंगे, जो खाली जगह है ना वहाँ पे डॉग्स भी हैं, उनको भी फीड कर देंगे और साहिल को गाड़ी भी सिखा देंगे। तो इतना कुछ ले लेते हैं। क्या हो पापा जी, ठीक हो? क्या बात, हमारे साथ क्यों नहीं आते आप, यहीं बैठे रहते हो? हमारे साथ हम चाय पीते हैं, हमारे साथ में आया करो। क्वारंटाइन में हो, क्या प्रॉब्लम है? कब से? चलो ठीक है, घर में ही रहना, घर में सेफ है। आंटी को पहले पता चल गया, आंटी अंदर ही आ गई पार्किंग में। मजा आता है यार गाड़ी चलाने में, जब तक भी चलाने आ जाएगी अंदर, तेरे को भी ऐसी लगेगा। पहले एक बार फीड कर लेते हैं, पेडिग्री खत्म कर लेते हैं, उसके बाद साहिल को सिखाऊंगा गाड़ी। चलो कहाँ है, उस दिन तो यहाँ पे थे, 5 थे गाइज। ये मत सोचना कि ये घर है, मतलब ये घर नहीं है, ये ऐसी बिल्डिंग है, इनमें कोई नहीं रहता, खाली अपार्टमेंट है, और चारों साइड देखो खाली जगह है। बस डर लगता है भाई लोगों से मिलने में, किसी के पास जाने में भी डर लगता है। कोई नहीं है भाई, कोई नहीं है, चलो कोई बात नहीं, ऐसे घूमते रहते हैं यहीं पे, हमारी इवनिंग वॉक भी हो जाएगी साथ में, अगर कोई मिलेगा तो दे देंगे। बाकी गाड़ी हमने वहाँ खड़ी कर दिया, तो वो रे सारे गाड़ी के आगे थे, हम गाड़ी यहाँ से घूम फिर के, पता यहाँ से घूम फिर के आ गए वापस, और वो वहीं पे ही है। अरे रुक जा यार, के अरे रुक जा, पीयूष की पता फीड करने में फटती है। तो ये वो बाइक वाला गया है, बाइक वाला पता है मतलब जानबूझ के खाने के ऊपर से चढ़ा के गया है। ये नहीं इतनी इतनी खाली रोड पड़ी थी, कितनी बड़ी रोड है, ये नहीं साइड से ले लूँ, खाने के ऊपर से चढ़ा गया टायर। वैसे देखा जाए तो गलती हमारी भी, हमने बिल्कुल बीच में डाल दिया रोड में, हमको साइड में डालना चाहिए था, डॉग बीच में आए थे हमने एकदम से डाल दिया। चलो कोई बात नहीं यार, आगे से हम साइड में डालेंगे। चलो साहिल को गाड़ी सिखा देते हैं, आगे गाड़ी है जान से दूसरे पे है, पहले पे कर फिर। अबे जल्दी घुमा, कह रहा हूँ यार टेंशन की ले रहे तू। तो अभी फिलहाल साहिल चला रहा है बिल्कुल सही, तो गियर भी सही चेंज कर रहा है, इसको याद हो गए हैं गियर भी, काफी इम्प्रूवमेंट आया, मतलब मैं देख रहा हूँ, जबकि काफी दिन से चला ही नहीं है इसने गाड़ी, फिर भी अब देखो डॉग ही डॉग दिख रहे हैं हमको। हाँ है ना, ये देखो एक ये रहा, एक ये रहा। बाय द वे यहाँ पे क्रिकेट मैच चल रहा है, देखो सबका। हाँ वो देख रहा है, वो देखो कितने सारे लोग हैं, पूरी भीड़ मची हुई है, क्रिकेट चल रहा है फिलहाल यहाँ पे। तो थोड़ी देर साहिल ने गाड़ी चला ली है, फिलहाल अब चलते हैं, थोड़ी बहुत पेडिग्री पड़ी है वो दे देते हैं डॉग्स को। तो भी फिलहाल डिनर टाइम है, आज बनी है आज लौकी की सब्जी और रोटी। सब्जी कहाँ है तेरी, क्या खा रहा है तू? देख लो गाइस ये सिर्फ रोटी खा रहा है, वो भी चटनी के साथ। इसको मम्मी सब्जी दो, सब्जी दो इसको मम्मी, कटोरी सूखी रोटी खा रहा है। फिर से मैगी खाएगा, मैगी खाएगा, हाँ गुड बॉय। चलो फिलहाल मेरा भी आ गया चटनी सब्जी और रोटी। डिनर करने के बाद अब ये गेम खेल रहा है, होमवर्क कर लिया कम्प्लीट? ना मैं नहीं, मेरे को एडिटिंग करनी है। ना भाई मैं नहीं खेलता, नहीं एडिटिंग करनी है यार, मैं नहीं खेल सकता भाई। तो फिलहाल ऊपर आ गया हूँ, अब एडिटिंग शुरू करते हैं। अच्छा दूध भूल गया था, जो चीज़ें हमको बिल्कुल पसंद नहीं थी, जैसे कि हल्दी वाला दूध हो गया, बिल्कुल गर्म गर्म पानी हो गया, और आजकल हम वो मजे से पी रहे हैं, मजे से देख रहे, मुझे अच्छा लग रहा है। बाय द वे जो टी शर्ट मैंने मंगवाई थी वो एक मम्मी ट्राई कर रही है। अरे वाह मम्मी आप पे मस्त लग रही है, दिखाना
दिखा ना सही, बिल्कुल फिटिंग आ रही है आपको तो। देख आप रख लो फिर तो, अच्छी भी लग रही है, फुल टाइप के बने हुए ना। ये देखो मंगवाई मैंने खुद के लिए, खुद के पसंद की, और इतनी बड़ी आ गई कि मम्मी को फिटिंग आ रही है, देखना। एक और है ये वाली है, बिल्कुल फिट है पापा जी की, पापा जी ऐसे ही डालते हैं। हाँ पापा जी के लिए फिट है। तो चलो दो टी शर्ट, एक मम्मी की होगी एक पापा की होगी, बाकी चार मेरी, जो की मैं और साहिल मिलकर डालेंगे, आपको बताइए। चलो ठीक है, गुड नाइट। सो आई होप गाइज आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट के लिए। तो मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। बोल डालेगा आज पूरा दिन इसको, क्या है चैलेंज? वैसे भी बाहर जाना नहीं है। अच्छी लग रही है सच में, भी लेता फ्रॉग है, देख शीशे में देख क्या पूरा मुझे ही का देख लियो।